के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद में नव वर्ष की शुरुआत भक्तिमय हो इसको लेकर 3 जनवरी को सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी का आगमन धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसको लेकर धनबाद श्याम मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। उक्त बातों की जानकारी श्याम मंडल के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने सोमवार को रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। वहीं उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में लगभग 25,000 श्रोताओं के प्रतिदिन पहुँचने की संभावना है। साथ ही इस कथा में सुरक्षा व आए हुए श्रोताओं के लिए भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य था, जैसा कि आप सबों के संज्ञान में है कि आगामी 3 जनवरी से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन इसी प्रांगण में होना है, गोल ग्राउंड के प्रांगण में होना है। भागवत कथा वाचक सुप्रसिद्ध मृदुल कृष्ण जी के पुत्र गौरव कृष्ण जी के मुखारविंद से सम्पन्न होना है। आज उस कार्यक्रम की तैयारी और पूरे कार्यक्रम की जानकारी हेतु आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। 2 तारीख को गौरव जी कलकत्ता से सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए धनबाद पहुंचेंगे 2 तारीख को शाम को। उनका अस्थाई प्रवास गोविंदपुर में जिस आयोजन समिति के जो मुख्य यजमान में से एक हैं शंभुनाथ अग्रवाल जी, उनके आवास पर होना संभावित है, ठीक है। और 3 तारीख से संध्या 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिदिन इसी प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन होगा। इसके लिए 30,000 स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल जो आप देख रहे हैं कि निर्माण हो रहा है, ये बाधा रहित पंडाल रहेगा और पूरा सुसज्जित आज के तारीख में हाईटेक पंडाल जिसको कहते हैं हम लोग। किसी भी श्रद्धालु को कहीं भी बैठेंगे वहाँ से उनकी दृष्टि सीधा स्वामी जी तक जाए, सीधा स्वामी जी को वो देख सके, ऐसी एक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पंडाल के अंदर फायर फाइटिंग की व्यवस्था, पंडाल के अंदर LED लाइट की व्यवस्था, और अभी जिस प्रकार का शीतलहरी चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये कंटिन्यू 2-3 दिन और रहा तो हम लोग पंडाल के अंदर हीटर भी लगाने का कोशिश करेंगे कि आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। जूता चप्पल का स्टॉल रहेगा, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था है, टॉयलेट्स वगैरह है, जलपान की व्यवस्था है, आपका आकस्मिक चिकित्सा का एक कैंप लगाया जाएगा, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, दिक्कत हो तो तुरंत उसको उपचार मिले। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग अपना आयोजन समिति की आज बैठक भी हम लोग करेंगे। तो आयोजन समिति जो है लोग से दूर दूर से लोग आएंगे, पार्किंग में दिक्कत नहीं हो, जो बुजुर्ग लोग होंगे चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको जिनको जमीन में बैठने में दिक्कत होगा उनके लिए चेयर की व्यवस्था रहेगी।